प्रसन्न की उपार्जन करें। अधिक महोदय पदार्थ के माँ सरस्वती भगवान को भारत माता के श्री चरणों में अधिक महोदय मातृ प्रणाम एक दो तीन या कुंदी तुषार हारे धवला वंदनीय माँ शारदे। एक थीम दी गई है जिसका नाम आया है आत्मनिर्भर भारत। की शिक्षक होने के नाते इसका एक समाज में वातावरण क्रिएट करना है, बच्चों के बीच में वातावरण क्रिएट करना है। उसी में एक नई विधा जो आपको मिली है, नया उदीमान हुआ है, वो नई शिक्षा नीति। एक बड़ा परिवर्तन भविष्य में जो दिखाई देने वाला है, ऐसे कुछ विषय संवैधानिक ढंग से केंद्र सरकार की तरफ से समाज में पहुंचाने का जो श्रेय होता है वो शिक्षक परिवार का ही होता है। अपने विद्यालय के माननीय अध्यक्ष श्रीमान जगदीश सिंह जी, जो सरस्वती शिक्षा परिषद के भी माननीय अध्यक्ष हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि श्रीमान अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्रीमान जयप्रकाश नारायण सिंह जी, आप लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। इस विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय शैक्षणिक समिति के आप प्रमुख हैं और माननीय समिति के आप माननीय सदस्य हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान शारीरिक प्रमुख जी से कि वो उनका सम्मान करने का कष्ट करें। आइए। विशिष्ट अतिथि श्रीमान बद्री प्रसाद जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, नगर कार्यवाह रहे हैं, तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हैं और सरस्वती शिशु मंदिर के आप माननीय अध्यक्ष हैं, आज के विशिष्ट अतिथि हैं। श्रीमान बब्बन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करने का कष्ट करें।
गॉडेस ऑफ नॉलेज माँ शारदे लॉर्ड सोम जय श्री राम भारत माता वेनरेटेड चीफ गेस्ट सो आई हैव कन्फाइंड माई स्पीच ऑन द कंटेम्पररी चैलेंज एंड वर्क अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी. As we know that when he was elected as the parliamentary leaders, he took an oath on 26 May 2014. And from that day itself, I can say that it became one of the historic day in the history of India. A man was there to lead the nation in a right direction. So I have divided what are the works and performance this government has done. From there, the policy itself says that we are not longer a nation that we are going to tolerate, we are a nation that we are going to strike you. That is the potential of our country. At present, we can say that. Now let's move to the what are the problem, internal problem related with the national security. मम पार्श्वे राग लय ताल किमपि नास्ति तथापि स्वकीय गान शब्दैः अहम् मातृभूमि वंदना माध्यमेन अस्माकं देशभक्तान् प्रति श्रद्धांजलिं समर्पयामि. यदि गाने त्रुटयः स्युः यदि गानं सम्यक् न भवेत् तथापि मातृभूमेः अहं वन्दनां करोमि तत् भवन्तः शृण्वन्तु. मातृभूमे नमो मातृभूमे नमो मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमः. वंदनीय माँ शारदे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदयः मुख्य अतिथि महोदयः विशिष्ट अतिथि महोदयः प्रधानाचार्य जी महोदयः भगिन्यः अभिभावक बांधवा छात्राश्च भवतां सर्वेषां स्वतंत्रता दिवसे मंगल कामना शुभ कामनाश्च. और लंबे समय तक चले गए हिंदी की ही घंटी और हर्ष का विषय है कि हम लोग 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैंने माननीय अटल जी की कविताएं पढ़ी तो 15 अगस्त के बारे में 15 अगस्त क्या कहता है ये सब पढ़ करके और जो देश की दशा है वो देख करके अपने मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं. एक अपना बहुत दिनों बाद अच्छा नेता मिला जो अच्छा काम करता है तो उसके लिए विपक्ष के कई लोग हैं जो उसकी कमी निकालते हैं. अच्छा काम करने के लिए भी आलोचनाएँ बहुत होती हैं. सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो उसके लिए सबूत मांगा जाता है इस देश में. और ऐसा नेता 5 कमरे का फ्लैट लेकर के दिल्ली में रहता है, पूछा गया 5 कमरे में आप क्या करते हो तो कहे 2 कमरे में हम लोग रहते हैं और 3 कमरे में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे हैं. तो ऐसे नेता है. इस दशा को देख करके मेरा भी मन कुछ करता है. देश की स्थिति जो चल रही है, जो विपक्ष में बैठे नेता लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, इस बारे में अधिक समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन अपनी एक स्वरचित कविता आपको दूंगा जो देश के दशा पर जो चल रहा है इस समय. अच्छे काम करने वाले की कमी निकालना ये चल रहा है इसके सपोर्ट में जो देश की स्थिति है. पहले 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ.
वतन की कहानी सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की कहानी सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ खो गई आदमियत हमारे, चलो खोजने तो जमाने लगेंगे। चलो खोजने तो जमाने लगेंगे। तो स्थिति देख करके हमने कुछ लिखा और वही पंक्ति आपको सुना रहा हूं। कैसे बनेगा देश महान, लौटेगी कैसे मुस्कान। कैसे बनेगा देश महान, लौटेगी कैसे मुस्कान। श्वेत वस्त्र में घूम रहे हैं, अपराधों को चूम रहे हैं। कैसे दाग बताओगे काले पट पर, काला लिखना है कैसे लिख पाओगे। कैसे बनेगा देश महान, नेता बोले ऐ बाणी ऐसी। अपराधी को सजा न दी जाए ऐसी भी आलोचनाएं आती हैं। नेता बोले बाणी ऐसे, अपराधी को फांसे कैसे। नेता बोले बाणी ऐसी, अपराधी को फांसी कैसी। हम कहते हैं फांसी दे दो, वो कहते हैं माफी दे दो। हम कहते हैं फांसी दे दो, वो कहते हैं माफी दे दो। कैसे न्याय दिलाओगे काले पट पर, काला लिखना है कैसे लिख पाओगे। कैसे बनेगा देश महान, लौटेगी कैसे मुस्कान। सबको अपनी कुर्सी प्यारी, कुर्सी की है महिमा न्यारी। सबको अपनी कुर्सी प्यारी, कुर्सी के है महिमा न्यारी। कुर्सी खातिर मरते मिटते, माँ का आंचल गंदा करते। कुर्सी खातिर मरते मिटते, माँ का आंचल गंदा करते। कैसे देश बचाओगे काले पट पर, काला लिखना है कैसे लिख पाओगे। कैसे बनेगा देश महान, देखो बच्चे भूखों रोते। देखो बच्चे भूखों रोते, बिस्तर पर हैं कुत्ते सोते। आशाएं सब टूट गई हैं, आशाएं सब टूट गई हैं। आंखें सबकी फूट गई है, कैसे राह दिखाओगे। काले पट पर, काला लिखना है कैसे लिख पाओगे। कैसे बनेगा देश महान, लेकिन कहता हूँ कि देश का लेते दाना पानी, फिर भी क्यों करते मनमानी। देश का लेते दाना पानी, फिर भी क्यों करते मनमानी। बगलूर की कांड में भी आग लगी हुई है। देसी भाव में देश जलेगा, देसी भाव में देश जलेगा, तुमको क्या तब ने। परम पूज्य माँ शारदे, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश सिंह जी, विशिष्ट अतिथि बद्री जी, प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय के आचार्य वर्ग,
तथा इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े भैया अभिभावक, सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब 15 अगस्त को हम ध्यान में करते हैं तो हमको 14 अगस्त याद रखना चाहिए, जिस पुत्र को अपने मां के स्वरूप का ध्यान नहीं रहता वह पुत्र कभी भी माता के लिए बलिदान नहीं कर सकता। मान और अपमान, माता के जीवन में जो भी घटित हुआ है वो सारी घटनाओं को क्रमबद्ध जो पुत्र याद रखता है वही देश के लिए, धर्म के लिए, माता के लिए कुछ कर सकता है। हम आज जिस परिस्थिति में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वास्तव में प्रसन्नता का दिन है। 3 तलाक हटा, 370 धारा हटी, हमारे प्रभु श्री राम जो 500 वर्षों तक टेंट में, जिनको जगह था, जो स्वयं कोर्ट में खड़े होकर के अपना मुकदमा लड़ रहे थे, यह आश्चर्य केवल हिंदुस्तान में हो सकता है और दुनिया के किसी कोने में इस प्रकार का आश्चर्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी तत्काल देखा है कैसी प्रतिक्रिया होती है बंगलोर में, एक छोटी सी बात पर कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन केवल ये हम ही लोग हैं और हम ही हैं जो सब कुछ सहन करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया देने में बहुत देर करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है, मजेदार घटना है। एक बार जंगल में जंगली जानवरों की सभा हो रही थी, उधर से एक निकल रहे थे, देखा कि सभा में सब लोग हंस रहे हैं लेकिन एक जानवर ऐसा है जो रो रहा है। थोड़ी देर वो खड़ा हो गए, फिर कोई प्रसंग आया तो देखा कि सभी लोग रो रहे हैं और वह जानवर जो है अभी हंस रहा है। तो उन्होंने एक वहां के प्रमुख व्यक्ति से पूछा कि आखिर ये बात क्या है, तो कहा कि जो पिछली बात हुई थी वो अब समझ पाया है और इसलिए रो रहा है, और जब सब लोग रो रहे हैं तो ये हंस रहा है। ठीक हमारी भी स्थिति इसी प्रकार की है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, प्रारंभ से ही वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया और लगातार हमारा देश संघर्ष किया, सबको पीछे हटना पड़ा, हम हारते रहे लेकिन हम लड़ते रहे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारी जो त्रुटियां थी, जो हमारे अंदर विभेद थे, उसका लाभ लेकर के और अंग्रेज भी आया हमारे देश में और उसने भी शासन किया। लेकिन एक बात हमारे देश के अंदर रही कि हमारे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला कहीं न कहीं धधकती रही, और उसका परिणाम हुआ कि जब नेतृत्व मिला तो वो ज्वाला भड़क उठी और अंत में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत बदल रहा है, और कौन बदल रहा है? जो 1925 में 9 लोगों को लेकर के कबड्डी खेलने का संकल्प जिस व्यक्ति ने लिया था, भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज को संगठित करके हम रहेंगे, जिसको लोगों ने कहा था कि हेड गवार ये है नहीं, ये तो गवार है, ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये ऐसे हिंदू समाज को लेकर के संगठित करने की बात सोचता है जहां 4 लोग एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां इनके कंधे पर लेटा रहता है। मजाक उड़ाया उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इतिहास को देखा है, राम और कृष्ण ने भी समाज को संगठित करके खड़ा होकर के धर्म की संस्थापना की थी, हमारे महापुरुषों ने पूरे समाज को खड़ा किया और यह देश संगठित होकर के खड़ा हुआ, और ये मैं देख रहा हूँ, समय लगेगा लेकिन यह काम निश्चित ही सफल होगा। इस प्रकार की संकल्पना के साथ वो आगे बढ़े और आज हम सत्ता की उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहाँ हम हर पल अपेक्षा करते हैं। आज भी हम अपेक्षा कर रहे थे कि शायद 2 चीज़ें बची हुई हैं, उसमें से कोई एक आ जाए, लेकिन विश्वास रखिए वो आएगा, वो समान नागरिक कानून भी आएगा और जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा, और यही नहीं आएगा, कृष्ण और शिव भी आएंगे,
वो अपने अपने मंदिरों में बिना किसी विघ्न बाधा के निश्चित ही भारतवर्ष को आशीर्वाद देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए खड़े होंगे। ये आने वाला भविष्य निश्चित ही इस प्रकार की बात। भारत माता के चरणों में नमन करते हुए और सभी अतिथियों को और जो हमारे गुरुवर उनको भी मेरा प्रणाम। आपके समक्ष इस समय जो माहौल चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, उसी पे एक गीत मैंने सोचा कि होना चाहिए। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। कर महागौरव दिलाना है, आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। ओ आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। स्वदेशी की अटल प्रतिज्ञा श्रद्धा दीप जलाना है, जलाना है। स्वदेशी की अटल प्रतिज्ञा श्रद्धा दीप जलाना है, है जलाना है। जन जागृति के अभियान से भारत को जगाना है, जगाना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। नहीं थकेंगे ना हारेंगे अपना ये वादा है, वादा है। नहीं थकेंगे ना हारेंगे ना टूटेंगे वादा है, वादा है। सामना करके जो बाजी से संकट को अब हराना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। आफतों के अवसरों में ये विश्वास जगाना है, जगाना है। आफतों के अवसरों में ये विश्वास जगाना है, है जगाना है। बिखरेंगे ना निखरेंगे हम दुनिया को दिखाना है, दिखाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जग जग को अब अपनाना है। आत्म
आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। वंदे मातरम 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 आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। हो आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है, दिलाना है, दिलाना है। धन्यवाद। पूज्य मां शारदे अन्वर अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य जी और अपने समस्त आचार्यगण और अपना विद्यालय परिवार, आज 15 अगस्त के पवित्र अवसर पर हम सब लोग 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और 15 अगस्त का जो अनेक वर्षों का जो हम लोगों का अनुभव रहा है या प्रत्यक्ष देखते आए हैं, और आज के 15 अगस्त में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह कालचक्र है, समय का कालचक्र है, उसका यह प्रभाव है कि आज हम लोग एक संक्षेप एक स्थिति में आकर के हम लोग इस 15 अगस्त को मना रहे हैं। इस 15 अगस्त के अवसर पर अपने मुख्य अतिथि जी ने अनेक विषयों को टच किया है। उदय कक्षा में आयुष कुमार सिंह के अखावर श्रीमान अजय कुमार सिंह आप आवे। अजय कुमार सिंह धन्यवाद अध्यक्ष जी। इनके पिताजी विनोद कुमार दत्ता जी आए हो तो आए, और उदय कक्षा से भैया रुद्र प्रताप सिंह के पिताजी सतीश कुमार सिंह माता जी आए हुए हैं। आज अपना सम्मान करें आमंत्रित कर धर्म में अपने विशिष्ट अतिथि आए और तीनों लोगों को सम्मानित करें। धन्यवाद अतिथि। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम लोग स्वतंत्र इसलिए हुए कि हम जो चाहे बोल सकते हैं। इस पर कभी विचार नहीं किया कि जो हम बात करते हैं वो देश के लिए कितना फायदा है और कितना नुकसान है।
हमारा क्या कर्तव्य है इसके बारे में कभी चिंतन नहीं किया। हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, किसी न किसी रूप में संघ के प्रेरणा से ही हम यहाँ आए हुए हैं और संघ का एक ही मूल मंत्र है कि हमारा कोई अधिकारी नहीं, हम स्वयं कार्यकर्ता हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। अगर मैं स्वयं का स्वयं सेवक हूं तो, लेकिन सभी लोगों की बात आप लोगों ने सुना, देश के बारे में सब कुछ के बारे में, हम जिसके लिए हैं, विद्यालय के मुखिया के नाते मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करता हूं, भाई हमारा महत्व तो तभी तक है ना जब समाज में हमारा सम्मान हो, और समाज में सम्मान तभी होगा जब हमारा रिजल्ट सर्वोपरि होगा। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, भगवान राम, भारत माता, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं ऑनलाइन जो अभिभावक और छात्र जो सुन रहे हैं, सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस सफल कार्यक्रम के लिए जो भी आचार्य बंधु लगे हैं उनको सबसे पहले मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किए, उनको भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। पुनः एक बार सबको आभार व्यक्त करते हुए और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।